नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, स्वागत करता हूं आपका। और आज बात करने आया हूं कुछ ऐसी जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में जो इस दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी मिलियन डॉलर कंपनीज जो है अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले करती है। अगर आप अपना नया कोई भी स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर आपका बिजनेस ऑलरेडी सेट है पर आप अपनी कोई भी नई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे के 5-7 मिनट कहीं पर भी जाइएगा मत, क्योंकि यही वो स्ट्रेटजीज होती है जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपनाती है और छोटे छोटे स्टार्टअप वाले लोग जो होते हैं वो इस टेक्नोलॉजी, इस मेथड, इस स्ट्रेटजीज को जो है वो अपनाते नहीं है और इसके बाद उसका बिजनेस जो है वो फेल हो जाता है। एक बात कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा कि मार्केटिंग उसे नहीं कहते जो प्रोडक्ट तैयार हो जाने के बाद की जाती है, असली इफेक्टिव मार्केटिंग तो उसे कहते हैं जो प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले की जाती है। फिर से मैं यहां पर दोहरा रहा हूं कि मार्केटिंग उसे नहीं कहते जो प्रोडक्ट तैयार हो जाने के बाद की जाती है, असली इफेक्टिव मार्केटिंग तो उसे कहा जाता है जो प्रोडक्ट तैयार होने से पहले की जाती है। देखिए यहां पर इस बात को जो है वो गौर से समझिए। पहले के जमाने में क्या होता था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो था वो पूरे मार्केट में बोलबाला था। क्या होता है ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कि सबसे पहले जो है आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो तैयार की जाती है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर होती है और इसके बाद उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ही आप कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एज वेल एज कोई भी मार्केटिंग टेक्निक्स जो होती है उसका उपयोग करते थे। पर आज का जमाना टोटली बदल गया है। आज मार्केट में कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा हो चुका है। इंटरनेट की वजह से आपका कस्टमर जो है वो बहुत ही इनफॉर्म्ड हो चुका है। आपके कस्टमर को पता है कि कौन सी चीज मार्केट में अच्छी है और कौन सी चीज जो है वो बुरी है, कौन सी चीज उसे परचेस करनी चाहिए और कौन सी चीज उसे नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें जो है आज के कस्टमर को पता है। और इस समय में अगर आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाला तरीका जो था वो टेक्निक जो थी वो स्ट्रेटजी जो थी वो अपनाई तो मैं आप सभी लोगों को डंके की चोट पर कह सकता हूं कि आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा और हरगिज नहीं चलेगा। तो अब सवाल यह आता है कि आज के इस कंपिटिटिव मार्केट में कैसे आप अपना नया कोई भी स्टार्टअप बिजनेस जो है वो या फिर अपनी नई कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करें। तो आज ऐसे जबरदस्त 3 स्टेजेस बताऊंगा जो इस दुनिया की कोई भी बड़ी मिलियन डॉलर कंपनीज जो है अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले इन 3 स्टेजेस को जो है वो फॉलो करती है। यहां पर सबसे पहला स्टेज, डिवाइड योर प्रोडक्ट बाय द एसटीपी। अब क्या हुआ ये एसटीपी का मतलब? एस मतलब सेगमेंटेशन, टी मतलब टारगेटिंग एंड पी मतलब जो है आपकी पोजीशनिंग। अब यहां पर सबसे पहले ये एस सेगमेंटेशन जो है वो समझते हैं। सेगमेंटेशन मतलब आपके प्रोडक्ट के अनुसार आप मार्केट को जो है वो अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए, मार्केट को जो है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी ऐसी हेयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हेयर ऑयल, हेयर मास्क या फिर कोई हेयर कलर, या फिर आप सभी लोग जो है अपनी कोई हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हेयर जेल, हेयर वैक्स, हेयर पोमेड या फिर कोई हेयर स्टाइलिंग स्प्रे। अब यहां पर ये पूरा टेबल देखिए। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट के अनुसार इस पूरे मार्केट को जो है वो अलग अलग हिस्सों में बांट देना। तो यहां पर सबसे पहले एक तरफ लिखा है आपकी प्रोडक्ट और दूसरी तरफ लिखी है इसकी सभी कैटेगरीज। कैटेगरीज मतलब कि कौन कौन लोग जो है इस प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले चिल्ड्रन, टीनेजर्स, यंगस्टर्स, लेडीज एंड द ओल्ड एज। और यहां पर प्रोडक्ट की अगर हम बातचीत करें तो यहां पर आपकी सभी प्रोडक्ट्स जो है वो हमने लिख डाली है कि भाई हेयर ऑयल, हेयर मास्क, हेयर जेल और हेयर वैक्स, हेयर कलर एंड हेयर स्प्रे। तो अब यहां पर यह देखिए कि हेयर ऑयल जो है वो सभी लोग, चिल्ड्रन से लेकर ओल्ड एज सभी लोग जो है उसका उपयोग करते हैं। और इसके बाद हेयर मास्क की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन या ओल्ड एज जो लोग है उसको हेयर मास्क की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हेयर जेल या हेयर वैक्स की अगर हम बातचीत करें तो सिर्फ और सिर्फ टीनएजर्स और यंगस्टर इसका उपयोग करेंगे। इसके बाद बात आती है हेयर स्प्रे की, तो ओकेजनली टीनएजर्स, यंगस्टर्स एंड लेडीज जो है ये हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं। ये पूरा आपकी प्रोडक्ट का हो गया यहां पर जो है वो सेगमेंटेशन। अब बात करते हैं टी। टी स्टैंड्स फॉर टारगेटिंग। क्या होता है टारगेटिंग का मतलब? कि भाई आपकी प्रोडक्ट के अनुसार आप किस ऑडियंस को जो है वो टारगेट करना चाहते हैं वो सबसे पहले डिसाइड कीजिए। मान लीजिए हमने ये पिछला वाला टेबल जो था वही यहां पर ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो हेयर ऑयल है तो छोटे से लेकर बड़ा हर कोई व्यक्ति आपका टारगेट ऑडियंस बन सकता है, क्योंकि छोटे से लेकर बड़ा हर कोई व्यक्ति जो है वो हेयर ऑयल का यूज करता ही करता है। परंतु अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो कोई भी हेयर जेल, हेयर वैक्स, हेयर पोमेड या कोई भी हेयर स्टाइलिंग स्प्रे है
तो सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स एंड टीनएजर्स ही आपके जो है वो टारगेट ऑडियंस होंगे। अच्छा, ये टारगेटिंग के मामले में जो है वो थम्सअप वालों ने बहुत बढ़िया बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट की है। क्या है कि रणवीर सिंह जो है वो पिछले कई महीनों से थम्सअप का ब्रांड एम्बेसडर है और रणवीर सिंह जो है वो इंडिया के वेस्ट पार्ट, नॉर्थ पार्ट एज वेल सेंट्रल जो पार्ट है वहां पर ऑलरेडी फेमस है, सब लोग उसको जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं और इन सभी जगह पर थम्सअप जो है वो बहुत अच्छी तरह से बिक भी रही है। पर फिर भी एक ऐसा पार्ट है पूरे इंडिया का जहां पर थम्सअप उतनी ज्यादा नहीं बिक रही है और वो है इंडिया का साउथ पार्ट। तो अब कंपनी वालों ने क्या किया कि अगर उसको उसका टर्नओवर जो है वो साउथ रीजन में भी बढ़ाना है तो उसको किसी ऐसे चेहरे की तलाश करनी होगी जो साउथ में भी ऑलरेडी फेमस है। और अगर हम बात करें हमारे रणवीर बाबू की तो रणवीर बाबू तो साउथ में इतने फेमस नहीं है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी महेश बाबू, रजनीकांत, नागार्जुन एज वेल एज चिरंजीवी ये सभी लोग है, इन सभी लोगों की बोलबाला है। तो थम्सअप वालों ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, अपना जो टर्नओवर है, अपना सेलिंग जो है वो साउथ रीजन में इंक्रीज करने के लिए उन्होंने रणवीर सिंह के साथ साथ जो है वो महेश बाबू को भी इंक्लूड किया थम्सअप की एडवर्टीजमेंट में। महेश बाबू के साथ साथ रणवीर सिंह दोनों जो है एक ही एडवर्टीजमेंट में आ रहे हैं। यही तो होती है दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और यही चीज मैं आप सभी लोगों को जो है यहां पर फ्री में सिखाना चाहता हूं। अब यहां पर देखिए आपके प्रोडक्ट का हो गया सेगमेंटेशन, इसके बाद हो गई आपकी प्रोडक्ट की टारगेटिंग, अब बात आती है उसकी पोजिशनिंग की। पोजिशनिंग मतलब कि भाई आपकी प्रोडक्ट की किस तरीके से वैल्यू जो है वो मार्केट में दे रहे हैं, किस तरीके की प्रोडक्ट आप मार्केट में लोगों को जो है वो सर्व कर रहे हैं। और अब आता है इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का दूसरा स्टेज जब आपको अपने प्रोडक्ट पर काम करना होता है और इस स्टेज का नाम है क्रिएट यूनिक वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट। होय 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 क्या जबरदस्त स्टेज है, यही वो स्टेज है मेरे दोस्तों जब आपको अपने प्रोडक्ट पर काम करना होता है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट डेवलप करनी होती है जो मार्केट में कहीं पर भी नहीं है, आपका कोई भी कंपिटिटर आपकी कॉपी ना कर पाए और आपका कस्टमर जो है वो आपके पास दौड़ा दौड़ा चला आए। कुछ ऐसी प्रोडक्ट तैयार कीजिए, कुछ ऐसी कस्टमर को वैल्यू दीजिए कि आपका कस्टमर जो है वो आपके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के पास ना जाए। एक बात यहां पर लिख लीजिएगा कि भाई गिव मोर वैल्यूज टू द कस्टमर एंड गेट मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम द कस्टमर। आप जितनी कस्टमर को ज्यादा वैल्यू देंगे, जितना कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट देंगे, उतना ही आप ज्यादा जो है वो मुनाफा कमाएंगे। और यही वो स्टेज है जहां पर आपको अपने प्रोडक्ट्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स एज वेल एज अगर आप कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं तो आपको उसके की इंग्रेडिएंट्स एज वेल एज इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग ये सभी चीजें होती है उस पर ध्यान देना है, उस पर काम करना है। और इसके बाद आता है इस प्रोसेस का तीसरा स्टेज जिसे कहते हैं कम्युनिकेट अ यूनिक वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट। क्या हुआ इसका मतलब कि भाई अब आपने जो है आपके ऑडियंस को टारगेट भी कर लिया, आपने अपनी बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है वो भी बना ली, अब बारी है इस प्रोडक्ट को आपके बेस्ट कस्टमर तक पहुंचाना। तो किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, तो यहां पर आपके सभी सोशल मीडिया एज वेल एज आपके जो है कंपनी की वेबसाइट, इसके बाद प्रिंट्स, टीवी कमर्शियल्स आदि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है वो यहां पर रिफ्लेक्ट होती है। भाई इस स्टेज में अपनी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के तो अनगिनत तरीके हैं, पर यहां पर मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज के एग्जांपल दूंगा कि कैसे वो सभी कंपनीज अपनी बेस्ट प्रोडक्ट को अपने बेस्ट कस्टमर तक पहुंचाती है, उस तक कम्युनिकेट करती है। अगर मान लीजिए कोई भी शू की कंपनी है तो अपना प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। रिबॉक वाले ने एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, नाइकी और रेड चीफ वालों ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब मान लीजिए कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स प्रोडक्ट है जैसे कि माउंटेन ड्यू, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो वहां पर उन्होंने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वहां पर कैटरीना कैफ या करीना कपूर खान नहीं चलेगी। अब अगर मान लीजिए कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स है जैसे कि लैक्मे, तो उन्होंने करीना कपूर खान को जो है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना, वहां पर ऋतिक रोशन कितना भी गोरा चट्टा हो और विराट कोहली कितना भी स्टाइलिश हो पर फिर भी वो लैक्मे की एडवर्टाइजमेंट में नहीं चलेंगे। ऐसा तो लाखों एग्जांपल है मेरे दोस्तों, पर सभी एग्जांपल यहां पर नहीं बताऊंगा। पोस्ट प्रोडक्ट लॉन्च मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में एक अलग सा वीडियो जो है वो जल्दी देने वाला हूं, पर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फैला दीजिए इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी जगह पर, क्योंकि मेरा सपना है कि इस भारत में इतने नए स्टार्टअप्स ओपन भी करने हैं और हर स्टार्टअप को जो है वो सक्सेसफुल भी बनाना है, क्योंकि हमें कोई भी आउट कंट्रीज पर जो है वो डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अगर आपका ये फैलाया हुआ वीडियो जो है किसी स्टार्टअप बिजनेस करने वाले व्यक्ति के पास पहुंच गया और उसको इस वीडियो में से जो है कुछ ऐसी लर्निंग मिली कि उसका लाखों का नुकसान अटक गया, तो वो दिल से आप सभी लोगों को ही धन्यवाद देगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश एंड वी विल सी यू सून इन नेक्स्ट फ्यू डेज। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।